बिहार आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहता है। इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि कुछ आरजेडी नेताओं ने चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहे। देखा जाए तो समय के साथ साथ राजनीति में भाषा की मर्यादा लगातार टूटती जा रही है। आए दिन नेता एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं और फिर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। बता दें कि हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब तेजस्वी यादव के मंच से चिराग पासवान को अपशब्द कहे गए। जुमई में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान किसी समर्थक ने चिराग पासवान की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में अब तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि चिराग पासवान को कौन गाली दे रहा है, अगर मेरे कानों तक इसकी आवाज आई होती तो मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चिराग पासवान को किसने गाली दिया, हमने तो नहीं दिया। तेजस्वी आगे कहते हैं कि मैंने वो वीडियो देखा, किसी ने मुझे भी भेजा था, उसमें ये देखा गया है कि जनता में से किसी की कोई आवाज आ रही है। तेजस्वी ने साफ किया कि मंच से तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, अब जनता में से कोई कह रहा है तो उसमें क्या कह सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा कहा होता तो मेरे कान में ये बात जरूर गई होती और मैं इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता। इस मामले के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले पर कहा कि चिराग पासवान को गाली देना काफी पीड़ादायक है। इसके साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि इस पर जरूर एक्शन भी लिया जाएगा। इस वीडियो पर बाद में चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। चिराग ने इस मामले पर बड़ी चतुराई से बयान दिया। चिराग ने कहा कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई की तरह है। उस मंच पर तेजस्वी यादव खड़े थे। तेजस्वी से मेरा रिश्ता काफी ही पुराना है। हम दोनों भले ही अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक दूसरे के परिवार को गाली देने लगेंगे। चिराग ने कहा कि तेजस्वी के सामने ही मेरे परिवार को भला बुरा कहा गया। मेरी माँ और बहन के ऊपर की गई टिप्पणी से काफी मैं दुखी हूँ। पासवान ने तेजस्वी की माँ को अपनी माँ बताते हुए कहा कि अगर कोई शख्स मेरे सामने तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलता तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देता। राजनीति एक तरफ है, लेकिन वो मेरे परिवार की तरह है। लालू प्रसाद मेरे पिता की तरह है, उन्होंने मेरे पिता के साथ काफी काम किया है। बता दें कि ये सब बातें करते हुए चिराग पासवान काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।